నమని ఓంకారికో నమన్ హరిహంతకో నమన్ శ్రీ సిద్ధకో నమన్ ఓమికో నమని ఓంకారికో నమన్ ఆచార్యకో నమన్ ఉపాధ్యాయకో నమన్ ఓమికో నమని ఓంకారికో నమన్ సర్వే సాధుకో నమన్ జిని ధర్మికో నమన్ ఓమికో నమన్ ఓంకారికో నమన్ సుమతి సాగరికో నమన్ సన్మతి సాగరికో నమన్ నమన్ ఓంకారికో నమన్ స్వస్తి భూషణికో నామన్ నారక సంగేకో నామన్. బోలే ఖజరాజ్ శ్రీ ఆదినాథ్ భగవాన్ కి జయ. చింతామణి శ్రీ పార్శ్వనాథ్ భగవాన్ కి జయ. విశ్వని శ్రీ మహావీర్ భగవాన్ కి జయ. జిన్వాణి మాతా కి జయ. పరమ పూజా చాకుర్దేవ్ శ్రీ సన్మతి సాగర్ జీ మహారాజ్ కి జయ. ధీరే ధీరే బోల్నే వాళ్ళం కి బోలే. ఆర్కా సభాన్ శ్రీ స్వస్తి భూషణ్ మాతాజీ కి, ఆర్కా సంఘ కి, ధర్మ స్నేహి బంధువు, చర్చా చల్ రహీ హై భోగ భూమి కీ. అణుబ్రత లేలే సంసార కే సారే లోగ్, అణుబ్రత, అహింస అణుబ్రత, సత్య అణుబ్రత, అచౌర్య అణుబ్రత, బ్రహ్మచర్య అణుబ్రత ఆర్ పరిగ్రహ పరమాణుబ్రత. మే ఆప్కో సాధు నహీ బనా రహీ హూ, ఘర్ మే రహకర్ సీమా మే కర్ రహీ హూ, ఔర్ మే నహీ భగవాన్ మహావీర్. घर में रहकर सीमा, अहिंसा अणुव्रत, हिंसा मत करो. जितनी घर गृहस्थी की है वो बात अलग है, व्यापारिक है वो बात अलग है. इसके अलावा किसी को हत्या मत करो, अहिंसा अणुव्रत. सत्य अणुव्रत, ऐसा झूठ मत बोलो जिससे लड़ाई भड़ाई हो जाए, जिससे आपके दुनिया भर के नाटक शुरू हो जाए, जेल के जहरी जाने पड़े, ऐसा सत्य मत बोलो. ऐसा चोरी, ऐसी चोरी मत करो कि दूसरे घर के ताले तोड़ रहे हैं, दूसरों की जेब काट रहे हैं, ऐसी चोरी मत करो. घर में तो थोड़ी बहुत, जैसे पत्नी है घर में अपने पति के जेब से थोड़ा बहुत कभी कभी, हाँ उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी. हाँ अब घर में बच्चे हैं, लड्डू मांग रहे बार बार, घर में डिब्बे में लड्डू रखे हैं, बच्चा ज़्यादा लड्डू खाएगा तो बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, माँ कहती लड्डू ख़त्म हो गए. तो ऐसा इतना झूठ तो चलता है, मगर इतना झूठ नहीं कि किसी की हत्या हो जाए, किसी को जेल हो जाए, किसी की लड़ाई हो जाए. तो गृहस्थी संबंधी बता रही हूँ. ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपने पति को छोड़कर या अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी को बहन, माता, पुत्री के समान समझना, यह ब्रह्मचर्य अणुव्रत. और परिग्रह परमाणुव्रत, जितना आपको चाहिए परिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतना रखो और बाकी का त्याग कर दो. यदि ये पाँच अणुव्रत ये संसार में ग्रहण हो जाए सब लोगों के लिए और सब लोग ले लें इस अणुव्रत को, तो ये समझना अणु बम की आवश्यकता नहीं रहेगी, अणु बम की जरूरत नहीं पड़ेगी. जितना पैसा आज अणुव्रतों के अणुबमों को बनाने में लगा रहे हैं, इतना पैसा, इतना खर्चा यदि अणुव्रतों के प्रचार प्रसार में कर दिया जाए तो अणु बम की जरूरत किसी देश को नहीं रहेगी. और होना चाहिए, धर्म में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, वो तुम्हारी सम्मान की भी रक्षा करता है, तुम्हारी आत्मा की भी रक्षा करता है, तुम्हारे देश की भी रक्षा करता है, और तुम्हारे अंदर में जो कर्म आ रहे हैं पाप कर्म, उससे भी रक्षा करता है. तुम करके देखो तो सही, कैसे नहीं होती है रक्षा हमारी. हम किसी की रक्षा करेंगे तो कोई हमारी रक्षा करेगा, और हम किसी की हत्या करेंगे तो वो भी हमारी हत्या करेगा. बस समय का परिवर्तन हो सकता है, आज तुम बलवान हो कल वो बलवान हो जाएगा. समय बदलने में देर नहीं लगती है. आज तुम धनवान हो कल दूसरा धनवान हो सकता है, किसी बात का भरोसा नहीं है. तो इस तरह से जो हमने भगवान महावीर ने अणुव्रतों के लिए कहा है, और मैंने अभी शॉर्ट रूप में आपको बताया है, कभी मौका मिलेगा, कभी चर्चा आएगी तो दोबारा विशाल रूप में बताऊंगी कि कैसे अणुव्रतों को ग्रहण करना है, और शायद पहले बताया भी है मैंने. आपने टीवी में सुना था क्या? नहीं है याद? भुलक्कड़ दोनों ही है. भूलने की अच्छी, वैसे तो भूलने की आदत अच्छी भी है और बुरी भी है, मैं दोनों बातें मानती हूँ,
भूलने की आदत अच्छी इसलिए है कि कल की लड़ाई भड़ाई आज तक याद रखेंगे तो जी नहीं पाएंगे, इसलिए भूलने की आदत अच्छी भी है। और हमारी अच्छी बातें हम ना भूल जाएं, इसीलिए यदि वो भूल गए तो बुरी है फिर। तो अच्छी बातें तो हमें याद रहनी चाहिए और बुरी बातें हमें भूलनी चाहिए। हमें स्मरण के साथ में विस्मरण की शक्ति भी मिली है और इसीलिए मिली है। और नहीं तो इंसान, हर इंसान अपने जीवन में इतने दुखों को प्राप्त करता है, इतने दुखों को भोगता है, यदि उनको याद करता रहे तो वर्तमान बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत जीना कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए जो भगवान महावीर ने कहा है कि अणुव्रतों का पालन करें, करना चाहिए। तो प्रति सूर्य कुलकर ने सूर और चांद को जो निकले हैं उनके विषय में बताया, उनका भय दूर किया और उसके प्रति उन्हें सावधान किया, हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे इस बात का ज्ञान किया। तो उस समय से सूर्य और चांद पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, ये खत्म नहीं होते, ये ध्यान रखना, चाहे प्रलय आ जाए। ये ज्योतिष चक्र है, ये ज्योतिष चक्र है, ये चलता रहेगा अनादि काल से। कब से? ना इसका आदि है और ना इसका अंत है। वैज्ञानिक कुछ कहते रहे हैं, इतने साल बाद सूर्य नष्ट हो जाएगा, इतने साल बाद वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये काल परिवर्तन चलता रहेगा, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल। पहले काल का नाम है सुखमा, सुखमा, सुखी सुख, सुखी सुख। दूसरे काल का नाम है सुखमा, इसमें सुख है। तीसरे काल का नाम है सुखमा दुखमा, कि शुरू के समय में तो सुखी सुख रहेगा और लास्ट में हल्का फुल्का दुख शुरू हो जाएगा, इसलिए इस काल का नाम है सुखमा दुखमा। सुख ज्यादा है, दुख कम है। और चौथे काल का नाम है दुखमा सुखमा, दुख पहले है, सुख बाद में है, दुख पहले है, सुख बाद में है। और पांचवे काल का नाम, जिसमें आप जी रहे हो, जिसमें हम जी रहे हैं, इस काल का नाम है दुखमा। क्या नाम है इसका? दुखमा नाम है। इसमें सुख का आभास है, सुख नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ना, आ गई? बोलो जोर से, आ गई? बोलो आ गई? बोलो आ गई? इस काल का नाम दुखमा है, ये अपना प्रभाव छोड़ने वाला नहीं है, सुख का आभास है, सुख नहीं है, दुख ही है। दुख, दुख भी नहीं है, दुख ही है। आपको दुख मिले, दुखी मत होना, ऐसे ही होना था, सही हो गया। दुख नहीं होता, दुख नहीं मिलता, समझना गलत हुआ है। दुखमा काल है, दुख नहीं मिला, अरे कैसे नहीं मिला, मिलना चाहिए। ये दुखमा काल है, इसमें दुख ही मिलेगा। सुख ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, जैसे मृग मारीची का होती है ना, मृग तृष्णा, जैसे एक हिरण जो होता है, मान लो रेगिस्तान में है, वो दूर से देखता है उसे प्यास लगी, अरे वो वहाँ पे पानी चमक रहा, अरे वो तालाब है शायद, भाग के दौड़ के वहाँ जाता, अरे ये तो रेत चमक रही थी। फिर वहाँ खड़े होकर चारों तरफ नज़र डालता है, अरे वहाँ पानी है, चलो वहाँ भाग के जाता है, वहाँ भी पानी नहीं है। सारी जिंदगी ऐसे ही सुख ढूंढते ढूंढते इंसान का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, मगर मरते मरते भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए जो चीज़ मिलनी नहीं है उसे ढूंढो मत, तुम तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, आराम से धर्म करो, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, जो मिला वो किसी से कम नहीं और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। आ गई समझ में? बोलो आ गई? अच्छा आई, अच्छा ठीक है, अब ठीक है, अब गई नहीं है। हमारे भारत में ये बड़ी अच्छी परंपरा है कि हम एक के साथ में खा ना, आ ना, जा ना, जाना, जा ना, जरा अलग कर दो, जो बीच में कॉमा लगा दो, अर्थ ही बदल जाता है। एक दुकान पे लिखा था, यह रविवार
यह प्रतिष्ठान रविवार को बंद रखा जाता है। एक शराबी वहां से जा रहा था, वो क्या पढ़ रहा था, यह प्रतिष्ठान रविवार को बंदर खा जाता है। यह प्रतिष्ठान रविवार को बंदर खा जाता है। तो इस तरह से एक मात्रा यहाँ की वहाँ हो जाए, एक शब्द यहाँ का वहाँ हो जाए, पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो आप लोगों ने आज यहाँ आकर भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, दिल्ली वाले बैठे हैं, आगरा वाले बैठे हैं, भोपाल वाले बैठे हैं, हैं ब्यावर वाले बैठे हैं, सांवर, केकड़ी, पूड़िया, बंगा, अच्छा पुरुलिया, आप क्या वहाँ के रहने वाले ना, पुरुलिया को ना पुलिया पुलिया कर रहे हैं आप पूरा बोलो ना पुरुलिया। हाँ, बंगाल की भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, बंगाल आए हुए हैं हमारे, जब हम लोग शिखर जी में थे तो एक बंगाली लड़का भी वहीं सेवा करता था। तो एक दिन जब हम लोगों का बिहार हुआ तो हम लोग बिहार में आगे जा रहे थे सुबह के दोपहर के समय, और वो गाड़ी आगे जा चुकी थी फिर भी वो वापस आ रहा था। मैंने पूछा हूँ क्या हुआ, बोले घोड़ी घोड़ी भूल गया घोड़ी। मैं कि संग में कोई घोड़ी तो है नहीं, कहाँ से भूल गया, फिर बोलता घोड़ी 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 भूल गया घोड़ी। ऐसे ही है क्या ना बंगाल में है। एक बार की बात है कि एक मोहल्ले में एक बंगाली आया, वो सबके यहाँ बुलावा दे आया शाम को, भोजन का बुलावा, भोजन का, सारे पहुँच गए। अब बोले बोलो भोजन, बोलो भोजन। अब लोग सोच रहे भोजन आएगा, और वो कह रहा भजन, बोलो भजन। बंगाल का मामला भी बड़ा, हमारे यहाँ हर चीज़ देखने को मिल जाती है, हैं। तो मैं तीन चीज़ बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको, बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, बनने में आज स्वधर्मेंद्र का, लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, करने में आज भगवान की शांति धारा का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, आप सबके दोबारा आने का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में कैलाश नगर का, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का, छत पर जाल का, छत पर जाल का, जबलपुर में हनुमान ताल का, और आने वालों में बंगाल का, लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में सोनीपत का, और कहाँ के बच्चे, ब्यावर, जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का, किसान में हर का, पक्षी के पर का, और आने वालों में ब्यावर का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में रूपनगढ़ का। माता ने फिर से दो पुत जने, दो सपूत जने, एक सैनिक बना, एक साधु बने, साधु बने। एक माता ने फिर से दो पुत जने, दो सपूत जने, एक सैनिक बना, एक साधु बने, साधु बने। एक वतन एक आत्म के वास्ते चले इस रास्ते, एक वतन एक आत्म के वास्ते चले इस रास्ते, दुनिया वाले दोनों को भाव से नमे, भाव से नमें।
भूत जने तो सपूत जने एक सैनिक बना एक साधु बने साधु बने एक शास्त्र धरे एक शास्त्र धरे हाँ जी शास्त्र धरे एक वतन को चले एक वतन को चले एक वतन पर चले वतन पर चले एक सीमा की रक्षा में जागे वहाँ हाँ जी जागे वहाँ एक सीमा में रह कर जगाए यहाँ एक माता ने फिर से दो पूत जने दो सपूत जने एक सैनिक बना एक साधु बने साधु बने एक माता ने फिर से दो पूत जने दो सपूती जने एक सैनिक बना एक साधु बने स्वस्ति माँ बने।